ना वहां पे किल निकालते हुए इस समय ऊपर से ये किल टीम सोल वाइपर ने इंपैक्ट निकाला है रोज के ऊपर यहाँ पे मॉडल एंड वहां पे वाइपर निकालते हुए एक किल इस सिचुएशन में अगेंस्ट यूएसजी की टीम यूएमई की टीम रिवेंज के साथ लगातार एक फाइट के अंदर दिखाई दे रही है किल्स निकालते हुए दिखाई दे रही है रिवेंज की टीम रिजर्स पे से बखूबी खेलती हुई वेस्टर्न साइड से जोन क्लोजिंग कर रहा है अब उनकी तरफ थोड़ी सी डिफिकल्ट सिचुएशन हो सकती है सेल्स की टीम के पास किल्स निकालने का एक जबरदस्त मौका जोन के अंदर है वो पर एंगेज कर चुकी है उन्हें इनिशियली भी स्पोर्ट्स की टीम जो काफी नजदीक आ गए उनके इस पावर का नेट वहां पे आतंकी के काफी क्लोज जाता हुआ ब्लाइंड की टीम नॉर्दर्न ईस्टर्न साइड ऑफ द जोन क्लोज इस समय होल्ड करती हुई मुझे दिखाई देती है सोल की टीम टीम सोल इस समय वाली से गुजरती हुई जोन के अंदर पहुंच चुकी है टुवर्ड्स द नॉर्दर्न साइड अगर वो हाइट ले लेंगे तो यहां पर उनको काफी एडवांटेज हो सकती है सेल्स के एमजे इस समय का 98 शॉट्स के साथ ब्लाइंड के सुप्रीम को डाउन करते हुए दिखाई देते हुए पीछे की तरफ से मेगा की टीम आ रही है आई थिंक टीम सोल यहां पे कुछ किल्स निकाल सकती है मेगा पैराडॉक्स एंड वैक्सी यहां पे सामने अमन कहां पे है यहां पे लेट्स सी व्हाट ही डज अमन के पास एक बढ़िया पोजीशन यहां पे एंड मेगा की टीम वहां पे जोन के अंदर आते हुए वैक्सी को डाउन करेंगे अमन विद हिज रेड डॉट निकालेंगे सम नॉक पैराडॉक्स वहां पे आगे आते हुए अगर दिखेंगे तो उनको भी किल मिल सकता है पैराडॉक्स ने इस समय फर्स्ट एड लगा रही है एंड बनी रहे वो सीधे टीम सोल की तरफ जो आई कर वहां पे किल्स निकालते हुए दिखाई देते हुए टीम सोल इस समय 7 टीमें 22 प्लेयर्स स्टिल रिमेनिंग इन दिस कॉन्टेस्ट एंड यहां पे देखते हैं क्या यहां पे अमन आई करेंगे अमन ने एक और किल वहां पे आई कर लिया वैक्सी का किल किया कंप्लीट एंड अमन दो किल्स निकालते हुए यहां पे अगेंस्ट टीम मेगा इस समय इस सिचुएशन के अंदर 5 किल्स हैं ऑलरेडी टीम सोल के पास हाइड्रा के डेंजर जो बखूबी खेलते हुए इस समय यहां पे जोन के बाहर फर्स्ट एड लगा के कुछ पोजीशन पॉइंट्स निकालने का उन्होंने किया फैसला मूविंग अहेड रिवेंज के अक्षय यहां पे एंड एक नॉक रेगल टॉस करने टीम सोल टारगेट और एंड आईजीबीएल ईस्पोर्ट्स यहां पे नेट करते हुए यहां पे रेगल टॉस नेट यहां पर रिवेंज की टीम जो बहुत ही जबरदस्त खेल रही थी यहां पर रेगल टॉस ने उनको किया है डाउन एंड अक्षत को भी डाउन किया विद इस नेट यहां पर दो नॉक निकालते हुए इस टीम रिवेंज के यहाँ पे रेगल टॉस एंड अमन नहीं रुक रहे वहां पे ब्लाइंड की टीम को कर रहे डाउन एंड मॉडल यहाँ पे रिजिस के ऊपर बढ़ते हुए आगे मिरामार के गेम के अंदर हाफ पे टूर्नामेंट यहाँ पे टीम सोल एक जबरदस्त मुकाबले के अंदर मिरामार के अंदर किल्स निकालती हुई यहाँ पे दिखाई देती हुई मॉडल एम4 वन लेके आगे बढ़ते हुए एक गेम स्विच कर लिया उन्होंने यहाँ पर रिवेंज की टीम उनके सामने इज नॉट गोइंग अहेड वहां पे आई डोंट थिंक इज गॉट द कॉल एंड बहुत ही सही डिसीजन टाइमली मूव बैक करते हुए वहां पे मॉडल भी सेफ है यहाँ पे वाइपर सप्रेस करते हुए राइट की तरफ यहाँ पे रिवेंज के अक्षय को डाउन करने की कोशिश काफी डैमेज वहां पे रिवेंज के सारे प्लेयर्स हुए इनफैक्ट जोन भी क्लोजिंग कर रहा है रिवेंज के ऊपर बहुत ही डिफिकल्ट सिचुएशन वाइपर कहीं नहीं अगर डैमेज देगा तो कुछ किल्स मिलेंगे उन्हें जरूर मीनवाइल अक्षय रेगल टॉस को मिलता हुआ वहां पे अक्षत का किल एंड प्ले जोन से रिवेंज की टीम हो चुकी है बाहर एंड सप्रेस कर रही है टीम सोल यहां पे रेगल टॉस शॉट्स लगाते हुए इनिशियली वी स्पोर्ट्स के प्लेयर को भी वहां पे डाउन कर रखा है एक और नॉक निकालते हुए वाइपर इस समय आपके सामने एक और नेट निकालते हुए इनिशियली वी स्पोर्ट्स के प्लेयर के ऊपर एक नेट को कर रखा है लेट्स सी दैट नेट गिव सम डैमेज यहां पे बहुत जबरदस्त खेली एक और नॉक यहाँ पे वाइपर की तरफ से एक जबरदस्त मुकाबला यहाँ पे लटते हुए अमन वहां पे एक और नॉक निकालते हुए M416 के साथ इनिशिएटिव ईस्पोर्ट्स की टीम को पिन करते हुए पहले रिवेंज अब इनिशिएटिव ईस्पोर्ट्स यहाँ पे एंड ब्लाइंड की टीम के ऊपर भी कुछ किल्स निकाले खूब सारे किल्स निकालते हुए वाइपर इस समय वहां पे थोड़े से लो मुझे दिख रहे हैं आई थिंक उनको शॉट्स पड़ रहे हैं एलिमिनेट होंगे वाइपर यहाँ पे अभी एंड 3 टीमें बची हैं टीम सोल मॉडल आपके सामने इस समय आपकी स्क्रीन पे नेट्स को करते हुए ब्लाइंड की टीम के प्लेयर जो से निकलना चाह रहे हैं उनको डैमेज देने की कोशिश करते हुए दिखाई देते हुए यहाँ पे एंड अमन 5 किल्स ऑलरेडी निकाल चुके हैं नेट को करते हुए साइको के लिए ब्लाइंड के जाल एंड उनके टीम में संबंध बचे हुए सेल्स की टीम भी इस गेम के अंदर अभी भी 2 किल्स निकाल के यहाँ पे अल्ट्रॉन मुझे दिखाई देते हुए एलिमेंट के अल्ट्रॉन उनको सपोर्ट करते हुए यहाँ पे ऊपर वहाँ ब्लाइंड के एक्सपेन एनर्जी ड्रिंक लगाते हुए दिख रहे हैं इस समय साइको उनको एक्कंपनी करते हुए 4 किल्स ऑलरेडी निकाल चुके हैं एंड सामने से रेगल डॉस आने की कोशिश करते हुए अमन द बर्थडे बॉय 5 किल्स निकाल चुके टीम सोल के लिए वाइपर 2 किल्स निकाल के डाउन है इस समय बट सोल की टीम के पास एक जबरदस्त मौका यहाँ पे एक शानदार चिकन डिनर निकाल के कम बैक करने का इस गेम के अंदर सिर्फ 6 मुकाबला है 6 मुकाबले और उन्हें यहाँ पे शॉट्स लगाते हुए दिखते हुए इस समय रेगल टॉस एंड आतंकी ने मीनवाइल एक्सपेन को भी डाउन कर दिया वहां पे सेल्स की टीम क्लोजिंग करते हुए दिखाई दे रही है मॉडल जंप लेते हुए यहाँ पे दे आर हेडिंग इनटू दिस फाइट एंड डोमिनेट करने की कोशिश करते हुए रेगल टॉस एक और नॉक निकालते हुए सेल्स के ऊपर यहाँ पे एमजे को आई करते हुए एलिमिनेट करते हुए विद इज यहाँ पे M76 रेड डॉट के साथ रेगल डॉस के 6 किल हो चुके एक रेस लगी हुई है यहाँ पे रेगल डॉस एंड अमन के बीच में किल्स निकालने के लिए एंड ब्लाइंड की टीम के जाल को डाउन कर दिया रेगल डॉस आगे बढ़ते हुए यहाँ पे देखते किस तरह कंप्लीट करते हैं साइको है सामने एक चिकन डिनर की तरफ बढ़ती हुई टीम सोल इन दिस मिरामार गेम शॉट्स लगाते हुए साइको ने मीनवाइल उन्हें डाउन कर दिया यहाँ पे बट कोई बात नहीं यहाँ पे ओह वन अदर राउंड मॉडल को भी किल निकालना पड़ेगा यहाँ पे ब्लाइंड साइको ने 2 किल निकाल दिया वो एंड थोड़े से कवर में जाते हुए मॉडल काफी लो है इस समय साइको शॉट्स बस कनेक्ट करना है उन्हें एक एमो कनेक्ट करनी है एंड मॉडल यहाँ पे चिकन निकालेंगे एंड वहां पे कंप्लीट करते हुए रेगल टॉस एंड वाइपर को दिखा देते हुए मॉडल शॉट्स लगा रहे वन सिचुएशन के टीममेट भी सामने ब्लाइंड की टीम से लेट्स सी व्हाट हैपेंस यहाँ पे जाल काफी नजदीक आ चुके हैं मॉडल यहाँ पे शॉट्स लगा के चिकन निकालते हुए मॉडल अपनी टीम के लिए ये एट मिरामार गेम नंबर 6
एंड बबलू ओपी 16 बंद बर्थडे बॉय 6 किल्स के साथ, रेगल डॉट 6 किल्स के साथ एंड वाइपर 2 किल्स के साथ एंड मॉडल द टर्मिनेटर पहला किल उन्होंने निकाला था, आखिरी किल ऑन टीम ब्राइन के साइको एंड इसी के साथ यहां पे 13 किल निकालती हुई, 13 की उस 12 एंड 15 किल चिकन डिनर निकालती हुई यहां पे टीम सोल एक जबरदस्त मुकाबले से कमबैक स्टेज करती हुई अपने लिए इनसाइड दिस टूर्नामेंट। ब्राइन की टीम यहां पे नॉकआउट्स निकाल